या किसी कवि ने कहा है कि बेटा ऊ है मादी जाया जो बाप की दौलत गवावे, काहे बिटिया ऊ है वोट लिया फिर खिसक गया, कुर्सी पाया चिपक गया, दौलत पाए दबा लिए, महंगाई जनता पटक दिए। ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर कवि ने कहा है कि डॉक्टर ऊ है मर जाए दवाइयों का न जाने, चुगला ऊ है बैल ऊ है मर जाए जो ज्योति के नाही है नावे, भैंस ऊ है मर जाए जो दूहत टांगी उठावे, बोलत ना मुस्काई मरे मुहटुअर नारी, और मर्दा ऐसन मर जाए बस जो अपनी ससुरार। अरे बीपत गायक गाए रामा कैसिट रिकॉर्डिंग करके सुनाए, और 10 जनवरी और सन 94 में दहलगनवा सुनाई हो, अब देखा तिलरी गढ़ लड़ैया हम बताई देव। आए देवा के लड़के की शादी पंचन के सुनाई दी वे, अपनी मोहनी आवाजिया सुनाए दे वे। लेकिन भाव गाने का इस तरह से है कि नट अपने क्लासिक चूक जाता है, पंडित वेद शास्त्र से भूल जाता है, जज वकील कलम कानून को भूल जाता है। लेकिन चुगुल चूतिया कभो न चूके चाहे सौ सौ घूसा खाए, अगर देश में चुगुला नहीं होते झगड़ा तूफान होता ना है, देश हमारा बर्बाद होता, कभी मुकदमा चलता ना है। लेकिन चुगलों की खानदान अभी है, चुगला का दास्तान हम देते सुनाए। माहिल सिंह उरई का रहने वाला, जो हमारे देश का गद्दार, देश को गुलाम करने वाला, अब यही था सब राजन के दिया आपू से लड़ाए। अरे महिला यो सोचलैया लारू दल कहिया मरी हो जाता है, फिर महबाए हमके मिल जाए। सुनिए माहिल की चुगलखोरी की दास्तान। रहलो महीनवा यार दिन हो सावन के, अब कजली कर त्योहार, रुदल देवा सैयाद लाखन बिरवा
सब लोग अयोध्या नगरिया में जाए। अरे झूलन के झूलनवा गईल बिल्कुल जुआना ये बाबू अयोध्या नगरिया दरमिया। इधर देखिए होता है क्या, सब महोबा के लोग अयोध्या चले गए और इधर तीन बच्चे थे महोबा वाले जिनकी जिनका नाम देते बतलाए नाम उमर सगरो बतलाई बे हैं श्रोता सुनो ध्यान लगाए। एक लड़का बबूर दली कई जिन कर अमर जीत सिंह एक ठे लड़का बटे भा अरे अगढ़े लड़का रहली आयल हाके जिन कर नाम मैं बलवा। अरे तीनों ललन के उमरी केतनी है सब स्रोतन के हम दे सुनाए। अरे आल्हा के लड़का इंदल के 14 बरस के अमर जीत के 12 साल बाए। अरे 10 बरस के देवा के लड़का है हे बाबू सुनिला तीनों के दसतान। देखिए तीनों लड़कों को अमाहिल किस तरह से मराता है। अरे पपिया के दर दिया छतिया में नाही तनिक अधखा धोखावा कमाए के चलल पापी महिला आ देखा मोहबा की नगरिया में जाए। तीनों बच्चों को बुला करके कहता है बच्चे ऐसा है ई तेरी नानी बहुत बीमार है और मांगत है मृगा की मांस और धोखेबाज उदय सिंह हमें नहीं बताए और अपने अयोध्या चले गए। हमको भी कहे होते तो हम भी चले होते लेकिन आज शिकार खेलने बेटा चल सकते हो। तीनों बच्चे कहे हाँ नाना बिल्कुल मैं तैयार हूँ अगर बाघ नहीं है तो बाघ का बेटा तो है तय यार। दोनों लड़कों तीनों लड़िकन के बहकावे लगले माहिल बचवन के जाल में फंसावे लगले। जाल में फंसा के अब शिकार खेलने के बहाने ले गया कितनी दूर पर महोबा से बहुत दूरी पर चढ़ा के ले गया। बहुत दूरी पर ले गया किस जंगल में ले गया जहां पर बाघ सिंह नरी माइल सोचे थे। अरे तीनों होने के जंगल में मराई देव आज मोहबा कदी आवाज चला लेक महिला चला लेक महिला धोखा कमाने पपिया झारखंड जंगल चाले ले गए बोलाए। 40 कोस में लंबा जामे बाग सिरवा और तहवा महिलवा लेके पहुंचल बलवाए। समय माइल भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं किसी बाघ कोई बाघ मिल जाता तो इन बच्चों को देते भिड़ाए तीनों बच्चे जब मर जाती और तब तो काम सिद्ध हो जाए। दई जोग से बघवायक जंगलवा में सूतल 3 दिन से पौले नहीं रहल शिकार। माइल की निगाहें उस बाघ पर पड़ी है तो माइल कहता है कि बच्चे तुम बाघ के बच्चे हो बाघ से लड़ सकते हो। कहा क्यों नहीं लड़ेंगे। तब माहिल कहा वीर बबर तुमको जब जानू इस बाघ को मार के देव गिराए
तीनों लड़के ले लेतीगा तीनों ओर भये तैयार। तबले माहिल भगवा के जगावे बदे का केले, अरे छूची आवाज माहिल धड़कावे लगले, सूतत से रवा के जंगल में जगावे लगले। शेर को जब जगाए हैं माहिल, छुछी आवाज धड़काए सज्जनों, बाघ उड़ते ही गुर्रा गया। और जब देखा तीनों बच्चों को, तो बाघ छलांग लगा करके इंदल के ऊपर टूट पड़ा। और तीनों बच्चे अपनी तलवार लिए हुए बाघ का मुकाबला किए किस तरह से। अरे तीनों ललनवा तीनों वर्षे तेगा मर ले भैया, तड़पल भगवा महिला के धोतिया में झारे पीसा, और फेंक के बाना दुखिया भाग, और फेंक बन दुखिया यक झंखुलिया में लुकायल भैया, महिला के धोती में चुगली पिसाब। माहिल सोचा था कहा के काल हम लड़िकन से धोखा कैले, धोखा वो कैले में खातर भैया। माहिल गनगन गन कांप रहा था, लेकिन बच्चे के ऊपर आक्रमण कर दिया बाप। जिस समय आक्रमण किया, अरे गरज अलग के हरी कूदी गयल बाघवा, अरे अमर अरे वीर इंदल पे मारा पंजावा चला, अरे ढालिया पंजा रोके हो इंदल से अभी बाबू रो यार से पंजाब आग कैया रो गए, और दहिने से मर ले बाघ हुए पताला भए, अरे कटी के ये बाघ गिरा ये परती पत जय जय की अवसार धाय माए। माहिल को ये बाप रे बापाई तो रुदले से ये मुरा माए, बघवैन के खाई तो माहिल अकल दूसर सोचा था कि भगवान कतो है जहर पिला के इन बच्चों को दो मुरमाए। माहिल पहुंचा है आगे के औ आगे एक सुने दस्तान, खेल शिकार बहकावत बहकावत भाई जंगल में दोपहर अब हो जाए। अभी नहीं से दोपहर जब लड़िकन के हो गए, तब लड़िकन के लगी प्यास, और प्यास लगी और भूख सतावे, तब तीनों नाना नाना क्रय पुकार, पनिया पिया दाना मोह बाल उठ के चलता, भूखियो से निकस तो बुट हुप राना। अरे अब नहीं चलवात तब का बचल, मोरे नाना अब पहुंचाई दिया भाना। हाय हाय हाय, वह नाना के भगवती लूटे बलुकन खेत कालिका खान। माहिल सब मन ही मन सोचे अपने मन में करे विचार, ऐसन घात अभी ना लगी है पानी के बदले माहुर जहर देव पिलवाए। और तीनों लड़िका जो मर गई है मोहबा दिया गुल्ल है, कहले बचवा है शहर देख लौकत हो, और चलो में पानी देव पियाए, मोहबा जाते बहुत दूर हो, आगे आज सांझ हुई जाए। तब तीनों लड़िकन के पाथी आगे तिलरी गढ़ ले गए चढ़ाए, तिलरी गढ़ के राजा थे नाटामल, जो जाति के ब्राह्मण कहाए, ब्राह्मण जाति के वह नाटा पंडित, और वह के तिलरी गढ़ के राजा कहलाए, और तिलरी गढ़ में लिवाई के तब लड़िकन के पहुंचत। अरे तिलरी गढ़ शहर के सरहद पैया पपिया, तब ले देखा रहिया में मचाली घातिया, रहिया में घात माही का लग गई। नाटा मलकी एक लड़की और जो लेके सहेलियों को विश्व सुंदरी
बगीचे में झूला झूल रही थी और झूला झूल रही थी और गा रही थी। क्या गा रही थी? गनक भावा गेल तो कहक पड़ गए, अरे गोदल रंग दूर गोरी गोदन। अरे गोदाल रंगदार गोरी गोदन गैली सावन के बहार हो, गोदाल रंगदार गोरी गोदन आए गैली सावन के बहार हो, गोदाल रंगदार गोरी गोदन। राम नाम बोहिया पै अपन छपवाला ई अपने दुलावा कनवा गोदाला करी है बलमुआ तुह से प्यार हो, गोदाला रंगदार गोरी गोदाला। अरे करी है बलमुआ तुहके प्यार हो, गोदाला रंगदार गोरी गोदाला। कजली की धुन माहिल के कान में हे श्रोताओं पड़ी है, माहिल समझ गया अपने मन में करे विचार, ऐसन घात ते अपना लगी है अब लड़िकन के देव मराए। माहिल सोचत हो कि ये बगीचे में ले चलो तो जवान लड़का और जवान लड़कियों से आंख लड़ी तब बात बढ़ी, अरे तब लासा हमरो लगी जाए बगिया में लेके चलो लो पोपिया अपने धोखवा का जालावा बिछावे पोपिया, अपने धोखवा का जालावा बिछावे पोपिया। धोखा की जाल किस तरह से फैलाया? क्यों कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी झुकती है उस ओर जमाना झुकता है। माहिल उस बगीचे में लड़कियों को लड़कों को लेकर के जब पहुंचा तो लड़कियां इधर गा रही थी और उसमें का भाव मिलता है। अरे लड़की झूले से जब तीनों बच्चों को देखा तो मुग्ध हो गई, क्यों कि झांगुड़ झांगुड़ पर्वत लील आप बिहार रहल सुमनवा सुंदर नाना, रहल सुमनवा सुंदर ना अरे लौक गज भर सिनवा रहल ललनवा सुंदर। दूधवा कदतवन सुमनवन के टूटल, रहल सुमनवा सुंदर देखे डोले सब कर्मनवा रहल सुमनवा सुंदर। मेरे दोस्तों इंसान ला करे क्या होता है? वही होता जो मंजूर है खुदा होता है। भाई साहब उस बगीचे में जब लेके पहुंचता है लड़कियां सब तीनों बच्चों को देख करके झूला बंद कर देती है जैसे बाग में आ गए भगवान। तो देखा जब सब लड़कियां बच्चों को घेर लेती हैं और घेर के पूछने लगती हैं और एक से एक सुंदरी एक से एक परी के समान चमचमाता हुआ चेहरा, तो देखा भाई साहब कैसन रहे हो। ललकी उड़ानियां में गोर की दुल्हनियां मोरे राम, गोर की दुल्हनियां मोरे राम, गोर की दुल्हनियां जन्म मार हो राम, ए राम गुर की दुल्हनियां जन्म मार हो राम। हाय हाय देखा हो, अरे जुटली सहेलिया सब हम जोलिया मोरे राम, सब सुरतिया मन मडोल हो राम, देख
सिखा ते सुरतिया मनवा डोले बोलली गुजरिया से के अरबता जा खबरिया मोरेरा बता दा तू खबरिया मोरेरा ए बबुआ कहाँ वा नगरिया तोहरी बात हो रहा है के कर दुलरुआ बटो अरे कावन नाम बाट हाय कौन नगरिया बाटी तो कौनी नगरिया से आइला फूलवरिया मोरे राम आइला फूलवरिया मोरे राम ए बाबू भेदा वा बता ए बाबू भेदा वा बतावा नाम का है हो राम आपका नाम क्या है किस देश के निवासी हो उसमें तीनों बच्चे रुक जाते हैं लड़कियों को चारों तरफ से घेरने के बाद अब किधर जाएं लड़के रुक गए और माहिल देख लें कि अब लड़कियों से बातचीत हो तो काम बनल महिला 9-2-11 हो गए लड़कियों से कलश के बचवा तो उन लोगों तरकी 5 मिनट ही बाद में रुक ला और हम बड़ी तेज दिशा मालूम हो तो हम निपट के कुल्ला कह के आवत ही और तब तक पानी छू के कुल्ला मैदान निपट के आवत ही तब तक कहीं बगीचे में रुकल रहा हम आवत ही और पानी झटपट पिलाई लेते हैं। उसमें तीनों बच्चे लड़कियों को देख करके अपने गर्दन को नीचा कर लेते हैं किसी की तरफ निगाहें उठाते नहीं लेकिन इंदल सब लड़कियों के झुंड को देख करके जवाब देता है क्या कहा कि अरे लड़कियां मेरे रास्ता को छोड़ दो क्यों कि मैं भूखा हूं प्यासा हूं पानी पीने के लिए जा रहा हूं इस शहर। उसमें लड़कियां बोली कि सरकार आप इतनी सुंदर सुंदर बच्चे किसके हैं पहले परिचय दीजिए नाम क्या है और आप पानी के लिए तरस रहे हैं तो हम शरबत और भोजन भी दे सकती हैं लेकिन इस बगीचे में किस लिए आए हैं कहां जा रही। तब इंदल कहता है कि नदी पे तवांग की खोरिया में मौजा बसले ललनवांग आल्हा सिंह के हमरो इंदल सिंह है हाई है लड़का बटर दल चाचा के इनकर अमर की सिंह हाई है ललनवांग तोड़े बाचाचा के हाई है ललनवा तड़े भाव पंडित के इन कर लख पातर बभने कलर की रहली बबू तू बगिया बभने कलड़ी का के देखती ए बाबू तब लड़की कन्ना कुंवारी सोच रही है सुगा पंखनी क्या सोचा कि इन्हीं से जरूरत है इन्हीं से कुछ काम है बरवा लुटुरुआ जिनका लख पातर नाम इन्हीं से जरूरत है इन्हीं से थोड़ा काम है बरवा लुटुरुआ जिनका लख पातर नाम है। लड़की तुरंत लाके पलंग बिछाती है मखमल चद्दर बिछाती फूलों की सैया लगाती है आप लोग इस पलंग पर बैठे भोजन पानी दें मंगाए शरबत घोड़ी के लड़की तुरंत पानी और शरबत लाती है उठाए और जब पानी शरबत उठा लाती है तब इसके बाद कहती है हाय हाय
जल्दी जल्दी पिया मोरा पानिया, जल्दी जल्दी पिया मोरा पानिया, भोजन करब तैयार हाय हाय। अरे बैठा बैठा हमारी पलंगिया, बैठा बैठा हमारी पलंगिया, भोजन बनाई सरकार हाँ। अब देखिए तीनों लड़के बेचारे डर के मारे अम्मा हिल से सोचे थो माहिल चुगुल खोर साथ में हो दादा, कहीं घात में फिट कर दे, लड़कियों के पास बैठने में इंजाम भी लग सकता है, ये सोच रहे थे तीनों बालक। लेकिन वही होता है भैया, पलंग तो बैठ गई ले, लेकिन सर्वदवा घोरी के दुल्हनिया लावत। अरे बोले ले गोरिया, अरे बोली ले गोरिया, अरे लिया वे गोरिया, अरे लिया वे गोरिया, अपने दूल्हा के पानिया पिया गोरिया, अपने दूल्हा के पानिया पिया वे गोरिया। कहे दूल्हा मान गई डेवा के बच्चे को कि तीनों में से नाजुक उम्र थी, इसलिए उनके लिए शरबत गिलास में लावती, और तीनों उनके थमावे लगाली दुल्हनियों, तीनों शरबत गिलास में थामत। लेकिन अरे नैन कबान जवानी है लड़की, काम के बस में पागली होई, कहे झूलानिया झूले न किया, अरे गलवा पे नथुनिया मुरी राम, गलवा पे नथुनिया मुरी राम, कमर कह कर धनिया जन्म मारे हो, राम कंबर जनमा मारे हो, फिर के नजारिया रानिया ताक ले ललनवा रानिया, ताक ले ललनवा रानिया, तेरा मनाया नाक बनवा गोरिया मारे, मार देती है तो देखी के पुतरिया बोलल इंदल बालकरिया मुरी राम, इंदल बालकरिया मुरी राम, पानी या जहरवा जनमा मार ने। दोनों भाइयों से कहा कि शरबत मत पिया बगिया में, तो उठ के चलो अब दूसरे दुआर, कहे नैन कबान चलावती लड़की ते अब इल्जाम लगावती, जाल में फसाई के अब हम नन के तो माहिल चुगली दे लगा, डरी के मारे सर बदमो न पिया तो चुगुला भगल तिलरी गर्भ, जाय के बताई दहना टाजी से कि राजा खबरदार होई। हमें गम तुम्हारा नहीं मुरली वाले, लेकिन भक्तों की नैया लगाते कनारे, कंस का बधन किए
द्रौपदी की लाज बचाए, सब हवा में जाके दुशासन कमान घटाए, बचवन की बेरिया देरी या मत लगाया मुरली वाले हो नैया अब बजली हो मजधारा मुरली वाले हो। बाबू हुआ क्या, बच्चे डर रहे हैं, शरबत लड़की दे रही है पीजिए सरकार, लेकिन तीनों बच्चे डर के मारे शरबत नहीं पी रहे हैं, कहते नहीं लड़की हम लोग अब जाएंगे इस जगह से, क्यों कि हो सकता है कि दिल सौ का हसीनों से लगाना नहीं अच्छा, दिल सौ का हसीनों से लगाना नहीं अच्छा, दिल सौ का हसीनों से अरे लगाना नहीं अच्छा, क्यों कि हो जाएंगे बदनाम जमाना अच्छा, माहिल है चुगला साथ में आना नहीं अच्छा, माहिल है चुगला साथ में आना नहीं अच्छा, माहिल चुगला साथ यहाँ रहना नहीं अच्छा, और जाएंगे अब यहाँ से जमाना नहीं अच्छा, के तीनों बच्चे अब सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम लोग शरबत नहीं पिएंगे, प्यास नहीं है, लेकिन लड़कियां कहती हैं जुट के सहेली सब हम जोली, अब लड़का से बताओ अतिवाय शरबत पियले में का दो सवाह हो, बबुआ हमारा बबुआ सुन हमार बबू सारा बाद पीला छातिया जुड़ाई बबुआ आया हर तब तक घटिया माही लगावे पपिया नाटा मल के दुआ रवा जुटा लपा पिया मल के दुआ जुटा लपा पिया। नाटा मल से माही जाके बताता है कि सरकार आप यहाँ चैन से बैठे हुए हैं, आपकी मौज खत्म हो चुकी। कहा कैसे, तब माही कहता है कि तीन ठे अरे तीन ललनवा मोहबा वाले जिनकर नाम देव बतलाए, एक लड़का बा गुरु दल के जिनके अमरजीत सिंह नाम, कहे एक लड़का बाठे आला के जिनकर इंदल सिंह होना, एक लड़का बाटे देभा के जिनकर लख पातर हो नाम, और तीनों लड़का जबरदस्ती बगिया लड़कीन पर डाका पर जाए, अरे सुंदर सबसे बेटी आप कई तीनों पतिया दिल हाथ बढ़ाए, बहुत बात बर्दाश्त नहीं मोसे भैली तब लड़िकन की दिहल धिकार, अरे बहुत डांटल ना कोई मन लई हम ही के मारे बदी दैयार, जूलई के हम भागी के अली हम कहाँ से आदी बताए, अरे इज्जत बचाना हो लड़की का जल्दी खींच ले वो तलवार, अरे इज्जत बचाना है राजा तो जल्दी हो जाओ तैयार, काहे कि धनवा लुटायल मिली जाला हो जहान, धनवा लुटायल रज मिली जाला जमनवा में, लेकिन इमनवा गयल मिली नाई हुई रम हुई बना ही चलवाई, अब तू तब हो का चल
फेर राइया लड़की डोलवा हो चली जा अरे गर दे लैना डामल जब खूनवा अब खाऊ बैलपुर से ना तब तक महिलावा हो नमवा हो बाबू सुना सुना बतिया हमार अरे लड़का खुल बड़े अब हाय दूर बात अरे तो हरे बस का बात ही ना दे बजनवा सवार अरे धोखावा कहीं मरिया हो ललनवा संग में अरे तब तो पैदा हो विजय हो सारा घर कहा कैसे तब बोलल चुगुलवा हो न रमिया बोलिया हे सुना सुना नाटा बतिया हो अरे अगवाई अभी अगवा हम तोहरी चलत बाजे ओ पीछवा से हमारे होई जई बात तैयार होके चला हम जब बगीचा के करीब पहुंच जा तो तू एक बीघा पिछड़ जाया हम पहले में पहुंच के लड़कन से कहब कि तोहरे चाचा दादा का मित्र आवत हुए और इनके नए के पैलगी करा नाटामल पंडित नाम है और जिगरी मित्र हैं आल्हा रुदल के आपके लोगों को आगमन सुना है इस वजह से नंगे पगन देखो दौड़ के आ रहे हैं और इनसे नमस्कार करो और इनके साथ दरवाजे पर चलो स्वागत करेंगे और मीठी वचन सुनाई के फंदे में लेना फंसाए और अब लड़कों को तीनों को अब द्वारे पर लेना बुलाए जहर पिसाओ शरबत घुरवाओ अब तीनों को देव किया है पियत तीनों खत्म हो जाई है लड़े का कौन जरूरत वाह बार भगवान तेरे घर न्याय है अन्याय नहीं है लेकिन हुआ क्या भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है देखिए हुआ क्या अब माहिल के बात में आकर के नाटा मल तैयार हो जाते हैं इधर देखिए नंगे पगन घारे सर राजा चल देते हैं सिंहासन छोड़ के माहिल आगे आगे पीछे से नाटामल पहुंचते हैं बच्चे ताक में लगे हुए थे काहे आरम ममता से नजारिया खोई हो बाबूआ नाना कहा गई ने हम के लगल बाबू घिया नाना कहा गई ने हम के लगल बाबू बस बात तो तुम्हें समय नहीं लेकिन देखे बात आगे फंस गई अब कहा अब तीनों ललानवन समनवा जुटा लपतिया माया जलवा बजावला चहुपी के पापिया देख लिए माया जाल में फंसा दिया माहिल जब पहुंचते हैं तीनों बच्चे तलाश में थे कि नाना मेरे कहां गए वह नाना दुष्ट कसाई पहुंचता है निर्दयी और बच्चों से कहता कि बच्चे मैं दिशा निपटने गया लेकिन उसी जगह पे होश आ गया कि थोड़ा नाटामल से मुलाकात कर लूं और हो सकता है मित्र रुदल के मुलाकात हो जाए तो काम बनेगा भोजन और पानी सब कुछ मिलेगा तब तक नाटामल आपके आल्हा रुदल के जिगरी मित्र पाते हैं खबर तो देखिए नंगे पगन घरे सर दौड़ते आ रहे बच्चे तीनों नए के पैलगी करो आशीर्वाद लो तब तक नाटामल पहुंच जाते हैं बच्चे मित्र समझ के अपने चाचा और दादा का नए नए के सलाम करते हैं झोंके झोंके सलाम आवाए करला बबुआ वही पपिया नाटामल के छुएल गोड़वा आए बाबू नाटामल तीनों बच्चों को गले लगाते हैं लेकिन आंख मैं अंत बगल में छुरी कब कावे कब काटे मूली देखिए हुआ क्या कहा मेरे बच्चे जैसे मिन जैसे ललनवा आल्हा रुदले वैसे
अरे चली चल द्वारे पर आला रुदल भैया कैसे बाटे महो बाबा कैल अरे तीनों बचाऊंगा प्रेम की बंधन बनी गए जनल सचो मीन प्रिया भोले भाले बच्चे दगाना जनल लड़का होते चले तत्का यहाँ दुअरवा लड़ी कन के लई गई ले बोला अब देखिए लड़की के झुंड अंगन वही में चल ली देखा बउआ लवा भैया अरे चंदा और चकोरिया अरे झंख लगली जब चंदा अंगनवा डूबे हो लगल हाय हाय देखिए हम दुष्ट कसाई की अब कला की बात भाई साहब जब आंगन में द्वारे पर ले गए तीनों बच्चों को तो कुर्सी तीनों बच्चन के लगाई गई और शरबत अंगना में माहिल कहता जल्दी दो घुरवाए मेरे बेटे भी नहीं से भूखे हैं और शरबत जल्दी दो पिलवाए थोड़ी शरीर ठंडी जब हो जा और तब तो भोजन दो करवाए ना टमल तुरते अंगना में बाबू जहर रहे पीसे अरे जहर पिसावत देखैली गोरिया घर घर गुज बुज गुज बुज बातिया करैली गोरिया कि जौने देश का तीन अठे बुढ़ी आजोरिया वही देशवा का कैसे रही रे छातिया हे भगवान लीला गजब तेरी है तीनों बच्चे भोले भाले बेगुनाह अब देखिए शरबत मौत के शिकार बनने जा रहे अब देखिए शरबत करता है शरबत में जहर मिलाया गया देखिए जब जहर मिलाया गया तो हुआ क्या चार लोटा शरबत बनाया तीन लोटे में तीनों बच्चों के लिए एक लोटे में माही के लिए अलग और चिखना हाय अब देखिए चरबन तुरत दियो उधर कहने बच्चे पियो 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 मेरे बेटे भोजन तैयार हो रहा है तीनों ललनव बबू भोखवान जन लरे भैया तो तर जो ही पा गए कौन चिड़ैया बिना पंखवा क उड़ी गए भैया कौन नदिया ना अरे बढ़े न उतिराए अरे पड़े चिड़ैया बिना पंखवा क उड़ी गए भैया नैना नदी ना घटे हो उतिराए अरे तीनों बचौआ हो धोखवा में फसगर भैया बाए केहू खबर कह दे भैया घर आए हाय रैया कह दो हैया बाए केहू ना छोड़ैया रे भैया मर गए खबर कह दे भैया के का अब सुना देखिए लीला ईश्वर जी की अब शरबत जब गयल तीनों गिलास में शरबत ले ले अब शरबत को लिए उठा अरे जैसे शरबत वा तीनों ललनवा मुंह लगौल रे भैया खास और तब ले तो माछी आई शरबत में गिरी जाए और छींक तड़ाक दी हुई लड़का इंदल चलांग था कहा कि नाना इसमें धोखा है कहा क्या धोखा कहा मक्खी पड़ गई कहा फेंक दो दूसरा गिलास मुझ लो
और शरबत को गिराते हैं और दूसरा शरबत जब दूसरी बार गिलास में उलझते हैं उस समय छींक तड़ाक से होती है। इंदल कहता कि नाना इसमें दगा मालूम पड़ता है, शरबत क्यों छींक हो रही है, यह ब्रह्मा की आंख है। माही कह रहे अगर तुम्हें धोखा मालूम पड़त हो वही में कसर बदवाई हम मारू बटई बेटा देखा पियत बाटी पहिलव मोरे लाल देखा तोहरे पहले सरबद पियत बाटी जौन पड़ी हमरे पई देखा तू लाल आए जहर ना छोड़ावल रहल माहिल के सरबदो माल महिला सरबद इंदल कलश के नाना जब हमरे सरबदो में के तोहरे सरबद हो तो हे एक गिलास तनी मोरो में कई चिकी सब तो जानी सही बात आज एक में का शरबत समझब तब कि हमरो में का तनकी चिखिला तो अरे पेटवा गरम महिला के होई अरे दादा ई गड़ काल हम धोखा खियावे आईली हम ही पे धोखवा यव लऊ कतवा अक घोट डायरी देई जब हुएं पियत यव दरिया साफ ये वाऊ माहिल ये सोचत लेकिन कसम सौ सौ माहिल दुष्ट खैले तब तक इंदल ललनवा के विश्वास पड़ी गए कई में कै सरबद अरे तीनों ललनवा हो जहरा के पियन अब रहल केहू बचैया उनके नाए अरे तीनों हो ललनुआ बाबू जहर वही पी के गिरा अरे तीनों हो के जब गिरा आय हाय 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 अरे तब तक महिला पपिया नरम नरम बोल नाटा मल्ले तागर दलवे के तलवरिया पपिया नाटा उठ गई जिसमें बच्चों के गले पर तलवार चलाने चला है उस समय कभी हालत बतला देते हैं कि सूरज चंदा गिरे दस खाए मुरली वाले बसुरिया बजाए दुर्गा माता देख घबराए आज बच्चों पे तरस कोई न खाए भाई साहब तीनों बच्चों के ऊपर भगवान की लीला हो गई क्या माया। तब तक जब नाटामल तेगा लेके चलते हैं तब तक मंत्री नाटा मल कई बूलत हे राजा सुन बात और हिंदू का काम सहित से होला बिन साई से बिगड़े ला काम तनी बोलायला तू पंडित के तन की सगुन लेता सोधवाए तेगा धाई दहले परती पे अब पंडित को ले बोलाए देखा हो पंडित पतरा दिखा कहिया लड़िकन के मौत बाए निजी जब देखे लड़िकन के
देखत सुरतिया पंडित कवि है रे लगल छतिया मुरी राम जी है रे लगल छतिया मुरे राम ए राम टूप टप यसु आचुआ राम टूप टप यसु आचुआ मनागा री में फेंक रिसियारा तेरा मनागा री में फेंक रिसियारा अरे दया दृष्टि फेरल पंडित खुली के पुत्र मुरी राम खोली के पतरवा मुरे पतर अरे राम पुत राम खतरा तब बताओ पतरा में खतरा का बतौले कि हे महाराज आप तो गजब कर दिए इन बच्चों को जहर पिला दिया ने तो ठीक है लेकिन इनकी मौत आज नहीं कहा कब है कहा सरकार इसमें बात एक फंसती है 12 दिन आज से भद्रा है 5 दिन पचखा है 17 दिन के अंदर ये बच्चों की मौत नहीं है अगर 17 दिन के अंदर इन बच्चों को मार दोगे राजा तो होता है होगा क्या ये तीनों परम बन जाएंगे आपके शहर को घूम घूम के खाएंगे इसलिए आप इन तीनों बच्चों को 17 दिन तक जिलाएं और इसके बाद बल चढ़ाएं तो कोई बात है ना कोई खतरा नहीं अरे तब तक गनगन गनगन नाटामल पंडित लगले कांपे और कहले कि अरे महाराज ये के तो जहर पिया दे ले और जहर से तीनों तो मर गई हैं अब तो अपराध लग जाई अरे कहले जल्दी डॉक्टर वैद्यों को बुलवा के इनके जहर को खींचा लो नहीं तो आप समझ लीजिए आप पाप के भागी तो हो ही रहे हैं लेकिन अब भ्रम बनने वाले बच्चे तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं और जहर खींचाते हैं तीनों बच्चों के जहर खींचाने के पहले जकड़ के हाथ में हाथ करिया बांधा सुगारी तेरा मरो ला ला ला
सुलागारी तो रो रहा है, तीनों बच्चे रो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जकड़ली बदनियों देखें बोले ले बचनिया मुरी रंग बोले ले बचनिया मुरी रंग रामा नाना माही लिले था मुरे खबारिया माइल। इस समय बोला बच्चे रो मत, 17 दिन तक मचोगे, इसके बाद बलिदान चढ़ोगे और रोने और पीटने से कुछ नहीं होगा। कहा नाना ये बात कहिया की दुश्मनी थी। माहिल कहा बच्चे मेरे बाप का महोबा है, ले लिए रजा पर माल। अरे जब तक ना बदलवा ले अरे बापवा कई अपने सुना बापवा कई अपने सुना रामता बाप तक महो बाबा जुलम ढाई बे रामता बाप तक महो बाबा जुलम ढाई बे हो राम। अब बोला ला सुमनवा गर जल यो लोक लुनुरी राम पाही ले जंगलवा बीचे बताऊ ता अरे बिना बदले छोड़ी तेना तू हरो पर नवाना ना मोरे तू हरो पर नवाना ना मोरे हाय। अरे नाना ए नाना जंगल में काटी त गादा राम जंगल में काटी त गादा। माहिल चुप साध गया कि लड़कों को रोने दो मुझसे कोई मतलब ना। अरे खींची खींची कोड़वा मारे नाटा पपिया तीनों बचवल का दर्द से फटोइल छातियाँ हाय। आला रुदल के कैसे जाई पतिया बेटा तीनों फसल दुश्मन के घातिया। भैया अब लड़िका तीनों रो में जार बजार लेकिन एक दिन बीतल दुई दिन बीतल अब बीत गयल दिना दुई चार और धीरे धीरे 5 दिन बीतल छठवा दिन बीतत अब जाए और दिन भर पपिया कोड़वन कमरिया मर रे भैया अरतिया के सूखी रोटी रूखिया है। लेकिन नाटा की लड़की दुलहिनिया देख के खबरिया दूलाई लिख ली चिट्ठिया दुलहिन लिख ली पतिया का दुलहिन राम भेज ले सुगाना राम बाबा के कारण अब चिट्ठी में तो भेज दिया मोहबागढ़।